हाय स्टूडेंट, आज जो हम आर्टिकल कंसीडर करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। हमें पता है जो मैकेनिकल वेव्स है उसके टू टाइप्स है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, मींस इट रिक्वायर द मीडियम, इट रिक्वायर द मीडियम। अब आज जो है हम वो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला निकालेंगे, ओके। और वो जो फॉर्मूला है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स है वो हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो आज हम वो एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, ऐसा वीडियो है। अब ये जो है हमारा जो आर्टिकल है, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ओके, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर हमें ट्रांसवर्स वेव्स अगर प्रोड्यूस अगर करना है तो वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। उसको हम एक एंड उसका हम फिक्स करते हैं और अदर एंड हम क्या करते हैं, फ्री रखते हैं। और फ्री एंड को अगर हमने ऐसा जर्क अगर दिया, ओके, ये वन एंड उसका फिक्स है और अदर एंड क्या है, फ्री है, ओके। और इसको अगर हमने ऐसा जर्क अगर दिया तो ऐसी ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होगी, स्ट्रिंग पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ओके। अब यहाँ पे एक जनरल ऐसा कंसेप्ट है, दैट इज द स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव, वेदर इट इज लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, वेदर इट इज लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर, इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट कौन सा फैक्टर्स है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम फर्स्ट फैक्टर है। और सेकंड जो फैक्टर है दैट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम मींस इट स्टोर द काइनेटिक एनर्जी, मींस टू स्टोर द काइनेटिक एनर्जी, टू स्टोर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की जरूरत होती है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए, टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी, टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी वी रिक्वायर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, वी रिक्वायर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ओके। तो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है, एनी मैकेनिकल वेव, स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव अंडर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी, ओके। अब जो ट्रांसवर्स वेव्स ने जो इलास्टिक प्रॉपर्टी, व्हिच फैक्टर प्रोवाइडेड द इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड व्हिच फैक्टर प्रोवाइडेड द इनर्शियल प्रॉपर्टी, ओके। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो स्टोर द काइनेटिक एनर्जी का जो काम करता है जो प्रॉपर्टी, और इनर्शियल प्रॉपर्टी जो काइनेटिक एनर्जी की स्टोर करता है और इलास्टिक प्रॉपर्टी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, तो ट्रांसवर्स वेव में वो कौन कौन से फैक्टर प्रोवाइडेड करते हैं, दैट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी Associated with transverse wave to store the potential energy. It is nothing but the tension in the string. अब why tension? Tension क्यों? Elastic property provided करेगा. अगर waves क्या होती है? Periodically उसका oscillates होता है. तो इसका जो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग क्या होता है, इट द स्ट्रिंग एलिमेंट स्ट्रेच मींस अगर ज्यादा अगर टाइट अगर रहा, टेंशन अगर ज्यादा अगर रही, तो वो जो स्ट्रिंग जो ऑसोलेटिंग स्ट्रिंग एलिमेंट्स जो रहेगा
उनका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ज्यादा रहेगा. मींस इलास्टिक प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. एक फैक्टर हमें मिल गया है जो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा. मींस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इट इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, इट इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग. ओके, तो ये फैक्टर हमें मिल गया है इलास्टिक प्रॉपर्टी. अब इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम यहां पे जो होता है ट्रांसवर्स वेव का, वो होता है दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय म्यू. कुछ टेक्स्ट बुक्स में इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यम, स्मॉल यम से भी कोई टेक्स्ट बुक्स में इसका नोटेशन किया हुआ है, और म्यू से भी लीनियर मास डेंसिटी का नोटेशन किया हुआ है. सिंबल डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन सिग्निफिकेंस एक है. लीनियर मास डेंसिटी म्यू, और इसका जो फॉर्मूला जो है ये क्या है, मास, मास ऑफ द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर इसका मास अगर कैपिटल एम है और इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो जो यहां पे जो म्यू जो होगा वो म्यू की वैल्यू क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ. एंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट इज द टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग. और इनर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वी इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, वी इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी. अब यहां पे हमें नजर आया है ज्यादा अगर टेंशन है, हमने पहले कहा है अगर स्ट्रिंग एलिमेंट अगर ज्यादा अगर स्ट्रेच अगर होते हैं, मीन्स इट इज अ टाइट, उसका जो कॉन्टेक्ट जो होगा वन स्ट्रिंग एलिमेंट का और सेकंड स्ट्रिंग एलिमेंट का जो कॉन्टेक्ट जो होगा, इट इज वेन इट इज टाइटली कॉन्टेक्ट टू इच अदर, वेन इट इज टाइटली कॉन्टेक्ट टू इच अदर, देन द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज मोर. मीन्स उसका जो टेंशन के साथ जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. ओके, और अगर मास, लीनियर मास डेंसिटी अगर ग्रेटर अगर है, लीनियर मास डेंसिटी अगर ग्रेटर है, लीनियर मास डेंसिटी ग्रेटर मीन्स इट पजेस द मोर इनर्शिया, ध्यान में रखना है, इट पजेस द मोर इनर्शिया. और इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है मोशन को, क्या करता है, अपोज करता है. मीन्स द स्पीड ऑफ द वेव्स विल बी स्मॉलर, स्पीड ऑफ द वेव विल बी स्मॉलर. तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन प्रैक्टिकली रिलेशन प्रूव किया हुआ है, थ्योरेटिकल भी इसका प्रूव है, डायमेंशन एनालिसिस से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो इससे जो रिलेशन जो हो रहा है, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. और हमने आपको समझा है कि लीनियर मास डेंसिटी से कैसा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो ये होगा हमारा स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव का एक फॉर्मूला, v इक्वल टू टी बाई यू, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. टी क्या है, टेंशन है, नॉट अ टाइम, सिंबल डिफरेंट यूज हम सेम करते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है. ओके, अब यहां पे इसका एक हम, ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके डिफरेंट फॉर्म हम यहां पे निकालते हैं. डिफरेंट फॉर्म यानी क्या, हमें पता है जो म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं हम उसको, मास पर यूनिट लेंथ. तो फर्स्ट जो फॉर्म होगा इसका, लेंथ न्यूमरेटर में जाएगा, मास डिनोमिनेटर में आएगा. तो इक्वेशन क्या मिलेगा, टेंशन लेंथ अपॉन यम, टेंशन लेंथ अपॉन यम, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन. ये क्या होगा, हमारा सेकंड इक्वेशन. अब इसका सेकंड फॉर्म बोलते हैं उसको. अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, मास, मास जो है, मास विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड वॉल्यूम. मास को हम डेंसिटी ऑफ द मीडियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी ये हो गया वी.
where rho is the density of medium, and V is the volume of, V क्या है, volume of the string कहेंगे हम उसको. ओके ओके, उसके बाद density of the medium and volume of the string. अब उसके बाद, ये जो रहेगा ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कैसा होगा, v इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मैंने कौन सा है, स्ट्रिंग है. ओके, तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, तो v जो रहेगा, v वेलोसिटी, ये वॉल्यूम v है, ये वेलोसिटी का v है, ये वॉल्यूम का v है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी एल अपॉन, यम का कन्वर्शन होगा रो और वी में, यम का कन्वर्शन कैसा होगा रो और वी में. ओके, उसके बाद, रो जो है, वी जो है, वी, का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, ये है स्पीड का वी, ये है, यहां पे हम लिखते हैं स्पीड. ओके, और ये वी है वॉल्यूम का, वॉल्यूम दैट इज एरिया इनटू लेंथ, सो इसको हम कैसे करेंगे, स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एल अपॉन रो, वी का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ, वी का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ. तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा टी अपॉन ये रो, मींस वी स्पीड दैट इज इक्वल टू टी अपॉन ए रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड टी क्या है, टेंशन है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. ओके, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और इसका अब फोर्थ फॉर्म जो होगा, वो फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ये जो फॉर्मूले है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले है, दैट इज फोर्थ फॉर्म क्या होगा, दैट इज वी स्पीड. ओके, उसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ टी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कहते हैं, दैट इज अ पाई आर स्क्वेयर इंटू रो, टी दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू रो, हियर आर इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल से, यानी उसको हम मीडियम कहते हैं, जो मटेरियल से ये स्ट्रिंग बनी है उसका डेंसिटी है ये. ओके, तो वी स्पीड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, टी बाय रो पाय, और अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, दैट इज वन अपॉन आर, यानी स्पीड का जो रिलेशन है वो डेंसिटी के साथ और रेडियस के साथ कैसा है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें पता है स्क्वेयर रूट ऑफ द टेंशन, तो इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रेट स्ट्रिंग. बहुत सारे हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिए हैं, और ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले है, तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आपको दिखाया है, ये था हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के लिए, जो स्पीड जो रहता है वो क्या रहेगा, इससे ये फॉर्मूले से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ओके, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का जो नाम जो है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम ऐसे नए नए कंसेप्ट आपको समझाते हैं, यानी आपको क्या हो इजीली अंडरस्टैंड हो. थैंक यू सो मच.